So hello you people, how are you guys? This is your man, the Jimmy 624. अब मैं सोच रहा था कि चलो इतनी गर्मी बढ़ गई है, थोड़ा शिमला वगैरह कहीं घूमाया जाए या तो जम्मू चले जाऊँ. आप सोच रहे होंगे भाई साहब के पास बहुत पैसे आ गए, या तो कोई एनिवर्सरी होगी जिसके कारण इतना दूर घूमने जा रहा है. एनिवर्सरी मेरी नहीं है भाई, 25वीं एनिवर्सरी चल रही है जेट एयरवेज की. एक सुने आपकी ये जो हॉक चल रहा है, ये जो दो नंबर चल रही है पूरे इंटरनेट पे, अभी पूरे व्हाट्सएप में जो गंद मचा के रखी है, हर कोई फैला रहा है इस चीज़ को. मतलब मैं आज पूरे दिन बिजी था जिसके कारण मैं ना ही कोई वीडियो कर सका, ना ही कुछ मोबाइल चेक कर सका. तो आफ्टर लाइक 6-7 आवर्स बाद मैं जब अपना मोबाइल देखा, हर कोई मुझे जेट एयरवेज के लिंक दे रहा है, हर कोई मुझे जेट एयरवेज के लिंक दे रहा है. अच्छा इतने सबको अगर टिकट मिलेगा तो सब तो बढ़िया हॉलीडे में घूमाएंगे, इतनी गर्मी है चलो कि ठंडी वाले मौसम में घूम के आए. तब मैंने अच्छी तरह से जब URL को देखा, तब मैंने देखा कि जब वहाँ पर AIR, अगर ध्यान से अगर देखोगे तो वो AIR का जो आई है वो आई नहीं, उसके ऊपर का जो वो बिंदु वो होते ना डॉट, वो नहीं है. कोई भी लिखा पढ़ा, कोई भी बढ़िया अच्छा खासा ध्यान और ज्ञान रखने वाला आदमी भी चौंक जाएगा अगर आप उस चीज़ को, उस URL को अच्छी तरह से देखें. मैंने पहली बार देखा था तो मुझे लगा कि चलो सही होगा, लेकिन जब मैं सोचा 50 लोग भेज रहे हैं, जैसे कि ये फिर ये फिर ये, बहुत सारे, ठीक है चलो अगर ठीक से देख लेते. तो मैंने देखा कि यार ये तो आई नहीं लग रहा है, चलो दबा के देखते हैं क्या आता है इसके बाद. तो जो लिंक दिया हुआ था उस लिंक को मैंने चलो दबाया. दबाने के बाद फिर आया ये पेज जिसमें लिखा था कि चलो एक जेटवेज का प्लेन का पिक्चर है, उसमें लिखा है जेटवेज गिविंग 2 free tickets टू एवरी फैमिली टू सेलिब्रेट 25th anniversary. बोले वाह सही है, एकदम जेन्यून सा लग रहा है. फिर क्या लिखा रहा है, रिमेनिंग टिकट्स 369. मतलब वाह, मैं सोच रहा हूँ और मेरे फैमिली मेम्बर्स को भेजूँ, चलो साथ में एक फैमिली ट्रिप हो जाए. फिर देखा कि प्लीज टेक ए पार्ट इन द सर्वे फर्स्ट. तब मुझे लगा कि भैया इसमें कुछ तो एज है. चलो ठीक है, हैव यू एवर ट्रैवल्ड विद अस, जरूर मैंने ट्रैवल किया है, चलो मैंने ये बताया, चलो नेक्स्ट क्या नोट किया. फिर दूसरा क्वेश्चन है, आर यू सेटिस्फाइड बाय दिस सर्विस ऑफ जेट एयरवेज. चलो ठीक है, हाँ यस. फिर तीसरा क्वेश्चन है, प्लीज टेक पार्ट इन द सर्वे फर्स्ट, विल यू सजेस्ट योर सजेस्ट आवर एयरलाइन टू फ्रेंड्स एंड फैमिली. चलो ठीक है यार, फ्री टिकट मिल रही है, यस बोल दिया. फिर क्या आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बिन क्वालिफाइड टू गेट 2 free Jet Airways एयरलाइन टिकट्स, हाउ टू प्रोसीड. यहाँ आया क्लिच, हाउ टू प्रोसीड, यहाँ आगे भीख मांगने वाली तरकीब है. बोला क्या कि भैया आप ये 20 लोगों को शेयर करें व्हाट्सएप में, फ्रेंड्स या ग्रुप को, ठीक है. ये एक तरह का क्लिक बेट है जिससे कि लोगों को पैसे मिलते हैं. दूसरी बात, क्लिक टू क्लेम टिकट, एंटर योर एड्रेस डिटेल. बट ऐसा क्या होता है कि आप किसी से ग्रुप में डाल भी देते हो, ठीक है, आप डालने के बाद जब इसमें या नीचे देख रहे हैं तो क्लेम टिकट आ रहा है, उसमें जब क्लिक करोगे ना तो कुछ इस तरह का दिखाएगा कि शेयर इट टू योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप अबाउट आवर एनिवर्सरी, यू मस्ट शेयर टू प्रोसीड टू. क्या है इंग्लिश टू, चलो ठीक है. फिर से मैंने प्रोसीड किया, आप देख सकते हो मेरे सारे फ्रेंड्स के लिस्ट, मैंने उनको उनको दिया. तो मेरे फ्रेंड्स जो जो यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आई एम सॉरी, आप लोगों का नाम यहाँ पर आ रहा है, आई एम सॉरी, ओके. तो फिर जब इसके सर मीनिंग क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ. आफ्टर 20 फ्रेंड्स को भेजने के बाद, ये तो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि एक क्लिक से आपका फ़ोन हैंग भी हो सकते हैं, कुछ भी पता नहीं. लेकिन अगर किसी तरह से आप इसके थ्रू पहुँच गए कि चलो क्लेम टिकट हो गया, कभी भी नहीं आपका ओरिजिनल एड्रेस डालो, कोई भी अपना ओरिजिनल डिटेल ना डालो, ठीक है. और मैं अपने दोस्तों से सॉरी बोलना चाहता हूँ जिन इन लोगों को मैंने खुद ये लिंक्स भेजे, जस्ट मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि ये सच है ये क्या है. तो दोबारा मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट पे आके गालियाँ मत पकना कि भाई तुमने खुद शेयर किया है और खुद ही इसके ऊपर वीडियो बना रहे, जस्ट मैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था. तो हाल फिलहाल में मैंने अभी ट्विटर में भी चेक किया, इवन जेट एयरवेज वाले लोगों ने भी बोला कि ये फेक है,
और इसके ऊपर लोग ध्यान ना दें, इन लोगों ने ऐसा कोई भी ऑफर नहीं डाला। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि जेट एयरवेज वालों को पहले से इसके बारे में वार्निंग दी गई थी। जो एक बंदा है उसका नाम है इलियट, जो एक फ्रेंच विजिलेंटी हैकर है, ठीक है। ये सेम बंदा है जिसने अपने इंडियन आधार एप्लीकेशन के बीच की जो लूप होल है उसके बारे में उसने आइडेंटिफाई किया था। और जो अभी आरबीआई एक्ट, जो रिसेंटली आरबीआई के बारे में भी उसने अभी लूप होल के बारे में बताया गया था। सो इस बंदे ने ऑलरेडी जेटेरवेज को वार्निंग दी थी, पता नहीं उन्होंने ध्यान दिया कि नहीं, लेकिन अभी जेट एयरवेज ने उनसे मदद मांगी। तो उन्होंने बोला कि क्यों आप इस वेबसाइट को डाउन करो, मतलब शट डाउन करो। तो पता नहीं अभी आगे क्या अपडेट होगा, अगर कुछ भी अपडेट हुआ तो मैं ज़रूर बताऊंगा। कि फिलहाल कोई कह नहीं जा रहा है, किसी को पॉकेट की टिकट नहीं मिल रही है, जाना है पैसे भरो जाओ, ठीक है। चलो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको इन्फॉर्मेशन ठीक लगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।